हेलो फ्रेंड्स, जय मा तारिणी। आर एस सिंपल कुकिंग चैनल को आपण मानको वेलकम करुची। आज मु आपण मानको सहित शेयर करिया पई जाउची माछ कालिया। बहुत सहज ए रेसिपी को बनेबा। भोजी मानकरे ए माछ कालिया बनी थाए एकदम भोजी परी टेस्ट रे। किछि टिप्स आउट किछि ट्रिक्स आपण मानको कहिबी जहा फल रे कि आपण माने अति सहज रे ए माछ कालिया को बनेई परिबे आ समस्तकर बाहावा नेई परिबे। मु ये माछ कालिया को रोही माछरे बनेछि। आपण माने चाहिले भाकुर माछ किबा भेकटी माछरे बनेई परंती। तेबे आसंतु किछि यूनिक स्टाइल रे ए असम माछ कालिया को केमती मु बनेछि आपण मानक सहित निश्चित रूपे शेयर करबी। तेबे आसंतु आउ डेरी न करी जल्दी जल्दी बनेनबा कोन कोन सामग्री नेछि आ केमती कोन बनेछि आपण मानक सहित एटी कहि रखिबी। एठी मु रोही माछ 200 ग्राम नेछि 4 पीस। यहाँ भल भाव परिष्कार करी धोई नहीं थी। एबि आवश्यक अनुसार लुण आ हलदी गुंड मिसई नेबि। मिसई सारा पर भल भाव गोल नवा दुईपट मछर दुईपट साइड लगे ना भल भाव एवं लगे सारापर आसत गोटे प्यान बसई नवा गैस उपर मीडियम फ्लेम से दुई रु तीन चमच रिफाइन तेल पकई नहीं तेलटी गरम होगापर मछक पकई नवा आगे भल भाव भाजने माछ को आमे गोल्डन ब्राउन कलर होगा पर्यंत टी भल भाव भाजी नवा। देखो मछटी पकई नहीं सब गोटे साइड हो गला आर पटटी लेटे नेबी। एबे आसंतु मछटी तो आम पूरा हो गला गोटे प्लेट को काढ़ी नवा। एबे से तेल रे गोटे बड़ पियाज को काटि रखी एम लंबा लंबा कर पकई नवा। पियाज को पूरा भल भाव भाजी नवा जमती पूरा ब्राउन कलर होसतु से किसी मसला ऐड करवा जमीक सुखिला लंका तीनोटी रखी एटी दुईटी तेजपत्र छोट छोट दुईटी तेजपत्र खंडे अदा को एमती काटी रखी ये खंडे डालचीनी रखी गोटे अलैच 10-12 गोलमरीच आनोट लवंग रखी पकई नेबी। एवं से पिजरे गोटे मिनिट पर्यंत आम भाजी नवा। एबे यहाँ भल भाव गोटे मिनिट पर्यंत भाजी सारापर गोटे प्लेट को काढ़ी नवा। यह थंडा कर नवा थंडा कर सारापर यह ग्राइंडिंग करवा। देखो थंडा होगा छाड़ीदे एवं तो आम थंडा हो गला गोटे ग्राइंडर जार नहीं मसला को सब पकई ने भजा मसला को अल्प किसी पा दे ग्राइंड करने गोटे भल पेस्ट बनई नवा। आम ये बढ़िया पेस्ट बनी जाइए। देखो एवं आस गए कड़े बसई नवा मीडियम फ्लेम रे से दुई चमच रिफाइन तेल पकई ने बेसी तेल पकईबानी अल्प तेल होमर एवं एटी अधा चमच हलदी गुंड आधा चमच जीरा पकई नवा। भल भाव फुटीगला गोटे बड़ टमाटो को काटिक रखी टमाटो को पकई ने गोटे मिनिट पर्यंत भाजी नवा टमाटो को। टमाटो टी भजा हो गला मुनोटी रसुण को एमती लंबा लंबा कर काटि रखी पकई नेबी। एवं ये भाजी नवा आपण मैंने जदि चाहिए मसलार रसुण को पकई कि ग्राइंड करपारती ये न पकई पारती तेल रे रसुण को मसलार पक ग्राइंड करेंगे। देखो मसलाटी तो आम एमती हो जाए मसला को ये पकई नेबी। एवं टे गोल नवा टे गोल मुठ रखी किसी सुखिला मसला जमीक गरम मसला गुंड जीरा गुंड काश्मीर लंका गुंड आ धनिया गुंड गोटे गोटे चामच कर आवश्यक अनुसार लुण रखी एसबू को पकई ने भी से मसलार एवं मसला सबको दे सारापर आम को 5-6 मिनिट पर्यंत ये मसला को लो फ्लेम कषापी पड़ो। तापर ग्राइंडर जार टी धोई नहीं से पानी को मध्य देनवा एवं 5-6 मिनिट पर्यंत मसला को कषि ना भल भाव एठी 2-3 मिनिट कषि सारापर गोटे चमच गाई घी नहीं जहाँफल कि माछ कालियार टेस्ट पूरा बहुत भल आसब एकदम असम आसब पूरा भोजी स्टाइल पूरा भोजी परी बासना आ भोजी परी एकदम टेस्टी लगे। से मुझे गाई घी आड करनी गाई घी को आड करेंगे केवे स्कीप करेनि। तेब यह आमको कषापी पड़ो 5-6 मिनिट। देखते एमती कषि नौ टमाटो को मध्य एमती टिके करि नौची जहाँफल कि टमाटोटी मिसी जाओ पूरा मसला भितर
एबे कसी सारा पर गोटे ग्लास पानी दे नेबे सेतरे छोट ग्लास रे गोटे ग्लास पानी दे नेछि बड़ ग्लास हेले अधा ग्लास पानी दे नेबे आपण माने जति ग्रेवी दरकार तेबे आसंतु फुटिया पई टिके कभर करनबा एठी गोटे मिनिट पर्यंत गोटे मिनिट पर देखिनबा आसंतु कभर टी काढ़ी झोलटी आमर एमती फुटी जाइछि एबे भाजी रखिते माछ को सेतरे पकई नेबि देखंतो एटी पकई नीचे टिके हल्का डिप करि नबा झोल देहरे तापर पुणी थरे दुई मिनिट पर्यंत आमको कभर कर नबा जहाँ फल कि माछ भितर आमर मसलाटी पसिजिबो झोलटी एकदम बहुत भल टेस्ट आसिबो सेतिपई कभर कर नीचे दुई मिनिट पई दुई मिनिट पर देखि नबा देखंतो केते बढ़िया हो जाइछि बहुत बढ़िया लागुछि आखि को जेमती सुंदर लागुछि खाया पई एकदम असम हेतला बहुत टेस्टी हेतला आपण माने थरे निश्चय चेष्टा करिवे बनेया पई एबे आसंतु एहाको प्लेट रे काढ़ी नबा देखंतु केते बढ़िया हेछि आपण माने थरे निश्चय चेष्टा करिवे आपण मानको सुचिंतित मतामत मो सहित निश्चय शेयर करिवे आउ आजिर भिडियो टी जदि आपण मानको भल लागिछि ताले लाइक टे देबे चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट करिवे आउ शेयर करिवे को जम्मा रे भूलिबेनी तेबे रहौछि फ्रेंड्स देखाबा नेक्स्ट भिडियो रे।